मैं अपनी मर्जी से आई हूँ आगर जानी, वो सब तो रोक रहे थे मुझे, लेकिन मेरा दिल आपसे उदास हो गया था। कल आपका लाडला बेटा आजाद हो जाएगा, अदालत उसे बाइज्जत परी करेगी और इज्जत से वो आपके पास घर आ जाएगा। हैरत से क्या देख रहे हैं? सच कह रहा हूं मैं। हमारा विटनेस नहीं रहा क्या? मेरे लिए भी इस केस को जीतना किसी मौजे से कम नहीं है। जी जरूर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। आपको बहुत बहुत मुबारक। तुम लोगों की दुआएं रंग ले आई, हमारी दुआएं और आपकी अंथक मेहनत। मैंने कहा था ना, जीत आपकी होगी। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि दुनिया की हर उस माँ की जीत है जो अपनी औलाद को इंसाफ दिलाने की राह पर निकली है। आज छोटी बीबी की रूह को कितना सुकून मिला होगा, और आज दुनिया की हर बेटी को आप जैसी माँ पे फख्र होगा। एक माँ का असल फख्र तो उसकी औलाद होती है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ममता। तो कब से कमजोर पड़ जाती, मगर मेरी ये ममता ही थी जो मेरी ताकत बनी रही और मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया। सच कह रही हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ममता होती है। सफिया, बस अब एक दुआ करूँ, अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, मेरी सारी गलतियां माफ कर दे, और मेरी बेटी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। जैन की माँ, अरे जैन की माँ, जैन की माँ, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आज जालिम अपने अंजाम को पहुंच गया, दावर हयात को फांसी की सजा हो गई है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने एक माँ की दुआ सुन ली, आज मेरे बेटे की रूह को भी सुकून मिल जाएगा। आज हक और सच की जीत हो गई है। बेशक इस जीत का सहरा जरताज बेग के सर जाता है, जो हर खतरे की परवाह किए बगैर अपने मकसद पर अड़ी रही। हम वकील साहिबा को कितना गलत समझ रहे हैं, मगर उसने तो हक और सच की राह में अपने रिश्ते तक कुर्बान कर दिए। ये जीत हम सबकी है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा जितना भी शुक्र अदा करूं मेरे मालिक वो कम है। तू गफूर है, तू रहीम है, तूने एक बेआसरा माँ की सुन ली, तूने इस माँ की दुआ सुन ली मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो तुम्हें, केस जीत गई हो। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जीत है, बल्कि हर उस माँ की जीत है जो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने निकली। आज तो मैं सभी केस से जीता, बल्कि अपने इस बेवफा शौहर का दिल भी जीत लिया। आज तुम्हारा बहाज तुम्हें वापस मिल गया, मुझे माफ कर दो एक दफा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि तुम्हारे साथ मैंने बहुत नारवा सलूक रखा। नहीं बहाज, क्यों हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना कर। फखर है मुझे, फखर है मुझे तुम पे, और तुम्हारा शौहर होने में भी फखर है मुझे। I love you. Please. एक बार फिर सोच लो, कहीं ये तुम्हारा जज्बाती फैसला ना हो। जज्बाती फैसला तो मैंने तब किया था जब मैंने अपना सारा बिजनेस
यहाँ पर सेटल किया था। अब तो बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं है उसामा। तुमने दिन रात एक करके इतनी मेहनत से अपना बिजनेस यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है और यूं अचानक से तुम सब कुछ वाइंड अप करके चले जाओगे। दिस इज टोटली अनफेयर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट बिजनेस इज अबव ऑल। तो क्या करूं, यहां रहकर अपनी नाकाम मोहब्बत का तमाशा देखूं मैं? नहीं रजा, मैं ऐसा नहीं हूं। और वैसे भी ईमान हारिब के साथ बहुत खुश है, और अब तो हारिब की जिंदगी में इशल भी नहीं रही, तो अब वो उसको सब कुछ दे सकता है जो वो डिजर्व करती है। यू नो व्हाट, हारिब और ईमान एक दूसरे के लिए बने थे, मैं तो ऐसे बस बीच में आ गया। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, मोहब्बत में लोग कुर्बानी देते हैं, ये मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था या फिल्मों में देखा था, मगर तुमने तो ये करके दिखा दिया। अच्छा बस कर, अब रुलाएगा क्या? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर ऑडियंस जरूर रो पड़ेगी। क्या करें दोस्त, मोहब्बत चीज ही ऐसी है भाई। हम तो इस मोहब्बत से बचे हुए हैं, और दुआ भी यही है कि अल्लाह आगे भी हमें इस मोहब्बत से बचाए रखे। You know, it's better to love and lost than to never love. उधर जी अब्बा। देख बुतर, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। बड़ी बेगम साहबा केस भी जीत गई है, तो साहब भी अपने घर वापस आ गए। ईमान बेटी को भी उसकी मंजिल मिल गई है, पर तू तू अभी तक बीच में खड़ा है। अब्बा मैं जिस साल में भी हूं खुश हूं। खुश नहीं है तू, वो जानता हूं मैं, और जब तक तू खुश नहीं ना, ना मैं और ना तेरी मां खुश हो सकती। और मेरा नहीं तो अपनी मां का सोच, वो बूढ़ी हो गई है और सारी उम्र हमने उसे कोई खुशी नहीं दी। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी मां का ही ख्याल कर ले। उसने सारी जिंदगी हमारी खिदमत की है, और अब हमारा फर्ज नहीं बनता कि उसका ख्याल रखे? अपा तो सीधा सीधा बोलना, कहना क्या चाह रहा है? वो देख, आज भी तेरी माँ का फोन आया था, तेरी खाला ने तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। जिद ना कर, तेरी माँ तेरी खुशियां देखना चाहती, तेरे सर पे सहरा सजा देखना चाहती, तो क्यों उसकी खुशियों के पीछे पड़ा बोल। लेकिन अब देख, हाँ या ना, और कुछ नहीं, और तेरी ना तेरी मां को बहुत कमजोर कर देगी, ऐसा मत कर। बस अब जिद छोड़ दे तू, हम तेरी खुशियां देखना चाहते हैं, तेरी आने वाली नस्ल के साथ खेलना चाहते हैं, हमारी खुशियों को यूं बर्बाद मत कर। ठीक है बा, तो मां को हां कर दे, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हम अपने शहर वापस चले जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए, अम्मा के पास। और बड़े साहब? अब्बा तो उनकी फिक्र क्यों करते हैं? जब भी कभी तेरा दिल उदास होगा ना, मैं तुझे खुद कराची भेज दिया करूंगा।
बूढ़ा हो गया हूं मैं, आराम करना चाहता हूं। आपसे मिलने आते रहेंगे हम। जी बेगम साहबा, आप कभी भी उदास हो ना, बस एक फोन कर दीजिएगा, मैं अगली बस से ना अब्बा को कराची भेज दूंगा। लेकिन इस वक्त तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। मगर आगा जानी, देखो बेटा हालात नासाज हैं, और फिर हाशिम ने भी तुम्हें मना किया वहां आने को। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, जो होना था सो हो गया। हम सब लोग कहानी के इस अंजाम से बेखबर तो नहीं थे। इस कहानी को किसी तरह खत्म होना था। मुझे वहां जाना चाहिए, जाना चाहिए मुझे वहां। घर में जवान मौत हुई है, बेशक कातिल था मगर रिश्ते में देवर था मेरा। जनाजा पड़ा हुआ है वहां पर और हर घर की बड़ी बहू वहां मौजूद नहीं है। लेकिन इस वक्त तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। मगर आगा जानी, देखो बेटा हालात नासाज हैं, और फिर हाशिम ने भी तुम्हें मना किया वहां आने को। मेरी भी उससे बात हुई है, उसने मुझे भी रोक दिया। उसे कह रहा था कि हालात जब थोड़े नॉर्मल होंगे तो वो खुद आकर तुम्हें ले जाएगा। मुझे मुझे हाशिम से माफी मांगनी, मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांगूंगी। देखो बेटा, तुम्हें जो मुनासिब लगे तुम ऐसा ही कर लेना। फिलहाल खुद को संभालो, अपने आप को नॉर्मल करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। क्या हो गया अब्बा? अगर ऐसे ही उदास होना है तो हम नहीं जाते हैं फिर? नहीं पुत्र, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 30 साल हो गए मुझे अपनी जिंदगी के इस घर में गुजारे। बहुत सी यादें वाबस्ता हैं इस घर से, इसलिए थोड़ा दिल भराया था मेरा। सलाम वालेकुम। बैठिए। बड़ी कम साहब, हम आपकी तरफ ही आने वाले थे। मंजूर, हमें अकेला छोड़कर जा रहे हैं। बेगम साहब, आपको कैसे छोड़ सकते हैं? बस बूढ़ा हो गया हूं मैं, आराम करना चाहता हूं। आपसे मिलने आते रहेंगे हम। जी बेगम साहबा, आप कभी भी उदास हो ना, बस एक फोन कर दीजिएगा, मैं अगली बस से ना अब्बा को कराची भेज दूंगा। आप लोग बहुत याद आएंगे, इस मुश्किल घड़ी में बहुत साथ दिया आपने मेरा। कैसी बात कर रही बेगम साहब, तो फर्ज था हमारा। हैदर, ये रखिए।
बेगम साहब ये किसके? इसमें कुछ पैसे हैं तुम्हारे लिए, चाहो तो कोई छोटी मोटी दुकान बना लेना या फिर अपने लिए टैक्सी ले लेना। अगर और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, बिला चेक मैं भिजवा दूंगी। क्या जरूरत थी बेगम साहब इसकी? पहले जो कुछ हमारे पास है आपने ही दिया। मैं कोई एहसान नहीं कर रही, मैं भी अपना फर्ज ही निभा रही। और हैदर अपनी शादी पे जरूर रहना। जी जरूर। बेगम साहब साहब घर पे? हाँ, बल्कि तुम लोगों का इंतजार कर रहे, कह रहे थे कि ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप करते जाएंगे बस स्टॉप पर। हमने टैक्सी मंगा ली थी। अरे तकल्लुफ की क्या बात है, चलो उसमें ड्रॉप भी करते हैं। अब ये क्या है? गुड़ वाले चावल। अब बस भी करो ईमान, खिला खिला के मार दोगी क्या मुझे? जब से आऊं खिलाई जा रही हूं। तो क्यों ना खिलाऊं, इतने दिनों बाद अब खा रहा है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं अपना स्टमक खराब करके बैठ जाऊं। कुछ भी खराब नहीं होगा, चलें खाएं। अच्छा बाबा, जो पहले खाया वो तो हजम होगा। हो जाएगा ना हजम। अच्छा चलें थोड़ा सा चलें। बहुत जिद्दी हो तुम। अरे वाह, तो बहुत मजे के जादू है तुम्हारे हाथों में ईमान। ऐसे ही तो तुम्हारे हाथ के खाने मिस नहीं करता था मैं। अब आप घर आ गए ना, रोजाना आपको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊं, ठीक है? ईमान जी, I'm sorry and thank you. Sorry किस लिए और thanks क्यों? Sorry इसलिए कि कभी मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया हो, कभी तुम्हें hurt किया हो या तुमसे बदतमीजी की हो, और thank you इसलिए क्योंकि तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया। I believe अगर तुम ना होती तो मैं कभी समझ ना पाता। सीरियसली मैं आपका सॉरी और थैंक्स एक शर्त पे कबूल करूं। वो क्या? वादा करें आप कभी मेरा दिल नहीं दुखाएं। वादा करता हूं आइंदा कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। आप खुश? अब खाएं। नहीं बस बहुत खा लिया मैं। सच पूछो तो जब से तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर सुनी मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। बहुत अच्छा किया जो मुझे मिलने आ गई। यकीन मानो मैं तो कई दिनों से तरस रही थी कि मुझसे कोई अपना मिलने आए। सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं खाला बनने जा रही हूँ। आगा जानी भी बहुत खुश है। और तुम? मैं? अगर एक माँ से पूछ रही हो तो बहुत खुश हूँ, और अगर इस घर की बहू से पूछ रही हो तो यकीन मानो बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे होने वाले बच्चे को इस खानदान से अपने हिस्से का प्यार मिलेगा भी कि नहीं। तुम्हारी सास का रवैया कुछ ठीक हुआ तुम्हारे से? कैसे ठीक हो सकती है, वो आज भी मुझे अपने बेटे का कातिल ही समझती है। हाशिम तो तुम्हें चाहते हैं। अरे हाशिम ही तो सबसे बड़ी ताकत है मेरी। और अब तुम्हारा होने वाला बच्चा भी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। देखना जिस दिन वो पैदा होगा ना तो तुम्हारे सास ससुर तुम्हें वैसे ही माफ कर देंगे। खुदा करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि अब मैं सच में थक गई हूँ। हिम्मत नहीं हारती, तुम तो बहुत बहादुर हो। इतनी बड़ी जंग जीतने के बाद तुम्हें ऐसी बातें जेब नहीं देती।
सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सफिया, ईमान कहाँ है? बुलाओ उसे। ईमान, ईमान जल्दी आओ। तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी है। मैंने और वहाज ने फैसला किया कि अगले हफ्ते हारिब और ईमान का निकाह कर दिया जाए। और ईमान, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज ही शॉपिंग के लिए जाएंगे। मैंने आपसे आपका बेटा छीना था, इसीलिए आज आपको अपना बेटा दे रही हूं। ये आपका खून है, इसे महसूस करके देखिए। आपको इसमें से दावर की खुशबू आएगी। आगा जानी, अब तो 40वां भी गुजर गया है, हाशिम अब तक लेने नहीं आया मुझे। मेरे ख्याल में मुझे मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। कल वहां खुद ही चले जाना चाहिए मुझे, है ना आगा जानी? नहीं नहीं बेटा, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। आ जाएगा तुम्हें लेने, तुम खामखा के वहम मत पालो अपने ज़हन में, आ जाएगा। मगर आगा जानी, बशीर बशीर, मैं देखता हूं। मम्मी, आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अब आपकी जिद है, क्या करें। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़। चले। सच पूछो तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ जा रही। मुझसे ज्यादा यकीन तो तुम्हें खुद पर होना चाहिए। काश मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ लेके जा सकता। वापस कौन आना चाह रहा? ऐसे क्या देख रहे हो? चलें, वी आर गेटिंग लेट। श्योर, लेट्स मूव। अरे छोड़िए मैडम, अब ये हमारी जिम्मेदारी, छोड़िए। ओके ओके मम्मी, लाफिस। ओके आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। आज तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। तकमील तो मेरी जात की भी तुम्हें से मिली। चल। आ जाओ बेटा, हाशिम है।
मैं अभी आता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे तुझे ही फोन करने वाला था। क्या हो रहा है? बस अभी पैकिंग कर रहा था, उसी से फ्री हुआ। फ्लाइट कितने बजे की? सुबह 9 बजे की। ओके, विल सी यू एट द एयरपोर्ट। अरे नहीं नहीं, एयरपोर्ट नहीं, तू एक काम करी, तू मेरे पास आ जाई तो यहाँ से इकट्ठे एयरपोर्ट चलेंगे। श्योर ब्रो। अच्छा अभी कहाँ है? मैं घर पे। मेरी इधर भी चक्कर लगा ले, जाने से पहले भाई के साथ आखिरी बार डिनर कर ले। हाँ हाँ, तुम रेडी हो जाओ तो मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, तो फिर भाई को फिर से डिनर करा दो। या श्योर डन, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। ओके कमिंग। हारिब जी। हाँ? आज आपने जल्दी वापस आना। क्यों? आज क्या? आज क्या? आपको याद नहीं है आज क्या दिन है? बोल तो। नहीं याद। क्या है आज? अच्छा बस ठीक है, आप जल्दी वापस नहीं आना, बल्कि हो सके तो आज आप बाहर ही रुक जाना अपने दोस्तों के साथ। वैसे भी दानिश के साथ बहुत बैठे रहते ना। अरे बाबा, वो तो तब था जब मुझे पापा से डांट पड़ा करती थी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, टाइम पे आ जाऊंगा। लेकिन आप ये दिन कैसे भूल सकते हैं हारिब जी? शाम को 7 बजे तैयार रहना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है। आपको याद थी मेरी बर्थडे? ऑफ कोर्स याद था। तो फिर आप ये प्रिटेंड क्यों कर रहे थे कि आपको मेरी बर्थडे याद नहीं है? मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। हाँ हद होती है। अब तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूं तो और किसके साथ करूंगा? तुम ही तो मेरी खुशी की वजह हो, और आप मेरे होने की वजह है। तैयार है ना? जल्दी आ जाओ। वो बच्चे को लेकर घर आ रहे हैं, अब तो अपना गुस्सा थूक दो। तुम अस्पताल भी उसको मिलने नहीं गए? खुदारा अब तो अपनी चुप को खत्म कर दो। वो हमारा खून है, इस हवेली का वारिस है वो। इस हवेली का एक वारिस तो छीन चुकी है वो। तुम हमारी बहू से खफा हो, उसके हिस्से की सजा हमारे पोते को क्यों दे रही हो? हाँ बच्चा तो उसी का है ना, मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरा बच्चा छीना उसको। चौधरी साहब, हाशिम साहब आ गए। वालेकुम सलाम। माफ कर दे हमें प्लीज। इन्हें कहें कि चले जाएं यहां से, मैंने सिर्फ हवेली में जगह दी, अपने दिल में नहीं। रुक जाओ शनाज, अपने दावर के लिए भी नहीं रुकेंगे। दावर? दावर बहुत ही खराब
दावर है और ये नाम भी तहजीब ने ही लिखा। मैंने आपसे आपका बेटा छीना था, इसीलिए आज आपको अपना बेटा दे रही हूं। ये आपका खून है, इसे महसूस करके देखिए। आपको इसमें से दावर की खुशबू आएगी। क्या है, सोने दे, क्यों तंग कर रहे हैं? सोने तो की बच्ची, शादी से पहले तो रोजा की मुझे उठाया करती थी ना, अब मैं तुम्हें उठा रहा हूँ, उठो। तो क्यों उठा रहे, मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे आप? मैंने ऑफिस जाना है, उठो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ, चलो शाबाश। कोई नाश्ता नहीं है और कोई ऑफिस नहीं आ रहा, चुप करके सो जाए। क्यों, काम कौन करेगा? हाँ क्योंकि आज संडे है, छुट्टी वाले दिन तो मुझे आराम से सो लेने दिया करें आप। वाकई आज तो संडे, इसका मतलब है मुझे भी सोना है। मजबूर हो गया, बिखर गई किर्चियां मेरी, ऐसे गिरा चूर हो गया। मैं भटका तेरी राह में, फना हुआ तेरी चाह में।